लाइन से मार दूं। अरे क्या जाके जल्दी आ कवीनो, अब तेरा सांप भी वही करेगी। अच्छी पैर कहाँ से आ रही हो बरसोरे में घावे घाव। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या बदतमीजी करी है, धड़ाम से तू तो गिर गई। ये छतरी क्यों ऐसे फेंक के बहन बेचारी, भाई क्या मस्त बारिश आ रही है, एक नंबर बारिश आ रही है भैया। कुछ दिन बाद मैं गांव जाऊंगी, गांव में भी ऐसी बारिश आएगी, पहाड़ बारिश नदी कुआं और मैं, मजा आ जाएगी मजा। फिलहाल अभी कीचड़ हो जाएगी तो इसलिए दरवाजा बंद कर देते हैं दोस्तों। अरे ये कैसा धोखा हो गया भाई, बारिश भी आ रही है धूप भी आ रही है, अभी तो मस्त बारिश आ रही थी अब इतनी तगड़ी धूप भी आ गई, लगता है किसी लोमड़ी की शादी हो रही है। कहते हैं बचपन में सुना था मैंने, कोई तो ज्ञानी ज्ञान बांट रहा था कि जब धूप और बारिश एक साथ आए तो मतलब लोमड़ी की शादी हो रही है, और यहाँ देखो धूप आ रही है ना और बारिश भी आ रही है, फिलहाल लोमड़ी का ब्याह हो रहा है। जय सूर्य महाराज, अंदर चलते हैं। फिलहाल अभी मस्त एक प्लान बनाया हम लोगों ने, बारिश के मौसम में किसका मन नहीं करता चाय पकौड़ा खाने का, सबका मन करता है पर सब चीजें होती नहीं है ना घर पे, तो अभी मैंने एक मस्त सा प्लान बनाया। हमारे घर में आलू है पर बेसन नहीं है, चाची के घर में बेसन है पर आलू नहीं है, पर मन हम सबका ये चाय पकौड़ा खाने का, तो मैंने सोचा चलो मिल बांट के बनाते हैं। तो अभी चाची और सना आ रहे होंगे एकदम रेडी शेडी होके बेसन लेके, और मैं यहाँ पे चाय और पकौड़े की तैयारी करती हूँ, आलू और प्याज के पकौड़े बनाएंगे। कसम से कह रही हूँ अभी अभी मैंने दवाई खा के सोचा था कि थोड़ा सा आराम करूंगी, तो मेरे को आराम हराम लगता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, दिल भी खुश स्वास्थ्य भी बढ़िया। आ गई बेसन का है, ओ थैंक यू। मैं बना रही हूँ आलू और प्याज के पकौड़े, मन तो पनीर के पकौड़ों का भी था पर पनीर लेने कौन जाएगा बारिश में, तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा इनो डालूंगी क्योंकि बेकिंग सोडा मेरे पास नहीं है। और काफी टाइम पहले ना हमारी एक किरायेदार भाभी थी, वो जब पकौड़े बनाती थी ना तो कुछ अलग ही फ्लफी से और बहुत सुंदर पकौड़े बनते थे, बहुत ही टेस्टी। तो हमने उनसे पूछा आप क्या डालती है, तो उन्होंने हमें बताया था कि वो बेसन में ना इनो डालती है, बेकिंग सोडा नहीं, तब से हमने भी इनो डालना शुरू कर दिया। लेकर आती हूँ, तो मैं भी ना इसमें थोड़ा सा इनो ऐड कर रही हूँ, बस इतना आधा पैकेट। मस्त फुले फुले बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं भाई। तो जी बढ़िया बैटर मैंने रेडी कर दिया, अब इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची डालूंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हुआ ये। नाइस नाइस नाइस, क्यों हंस रही हो जी बहन, मिर्ची इतनी डाल दूं कि तुम सबको लग जाए एक ही बारी में, नहीं क्या कहती हो, थोड़ी ज्यादा डाल, क्या कहती हो, डाल दूं उतनी मिर्ची जितनी तेरी जुबान में है। तीखी मिर्ची ना, ये घी के डब्बे में किसने नमक रख दिया, ये मम्मी ने, उपयोग करना चाहिए हर चीज का, उतना ही नमक डाल दो जितनी कड़वी इसकी जुबान है। अच्छा और अपने हिसाब से क्या डालेगी, चीनी, यार वो डलती नहीं है ना, वरना मैं डाल देती। सुंदरी अबे कोई एक्स्ट्रा मसाला डाल दे, मैगी मसाला है, हर चीज में मैगी मसाला डाल दूं तो चुप रह, तेरे मुंह पे मैगी मसाला डाल के पानी पिला दूं। वो देख वो कह रही पहले बताती मैं घर से ले आती हूं, इसमें दिखा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि इनो अपना काम शुरू कर दे, और तब तक मैं ये प्याज और आलू को कट करती हूँ। और तुम दोनों क्या करोगी, मैं काम करने जा रही हूँ, मुझे काम करना है। कौन सा काम, काम पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, तुझे भी, तू मैं फिल्म बना दूंगी, ठीक है फिल्म बना दूंगी, पता कितने कह रही है भाई साहब, बता दिया हुआ। ये आलू और प्याज काट लेते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी लड़की हो काम काज की जुबान से काट दो। अरे चाकू की क्या जरूरत है, जबान तो तेरी लंबी है गोगा, तुझे काटना है, लंबी है तीखी पहनी तो तेरी है। ताली ताली क्या मारनी है, ताली क्या मारनी है कभी ना, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कुछ रेडी है, अब किसी को गैस नो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ। अब इसको सबको मिक्स करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा ही तेल डाला है, ज्यादा नहीं डाला है क्योंकि धीरे धीरे पकता रहता है, फिर पकने के बाद जो तेल बच जाता है ना वो वेस्ट ही होता है फिर यार, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही ऑयल डाला है। अब स्टार्ट करते हैं, बस एक बार ये गर्म हो जाए। बिटिया चाय तुम बनाओगी, ठीक है, जो तुम खांसती हुई मेरे पीछे से निकली हो ना, सुन लो कान खोल के, कान से बाल हटाओ, हाँ सुन लो कान खोल के, बाल क्यों ना दिखाऊं, कान ना दिखाओ, नहीं आज साफ है भाई साफ, जो बच्चा कान साफ नहीं करता उसे ऐसी डर लगता है, करा करो, डर लगता है कान साफ करते टाइम, नहीं आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है भैया, खाना खाने का तो तेरा दिन रात मन करता है, खाना भी दिन रात खाती है पर जाता कहाँ है, किधर है वो खाना, लग क्यों नहीं रहा है वो,
कहाँ है वो खाना? यहाँ जा रहा है, यहाँ लग रहा है। कोई नहीं लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। ऐसा लगेगा जैसा मुझे लगा है पहले। कभी मैं भी सना के जितनी पतली हुआ करती थी, मेरी जितनी, मेरे से भी पतली, इससे भी पतली होती थी कभी मैं। इसी उम्र में जब मैं 16-17 साल की थी तब मैं इसके तरह पतली थी, और अब 23 साल की होते होते मैं इतनी फूल गई हूँ कि जैसी चाल निकल जाएंगी, 5-6 शायद। चलो जी, हमारे तेल ने भी कट करना शुरू कर दिया, स्टार्ट करते हैं। जय हो। सबसे पहला चूल्हा देवता जी को चढ़ाएंगे। करंची पकौड़ा बनाया मैंने, वाह देख के ही मजा आ गया। अब सीखना तो पड़ेगा ही ना। क्यों? दूसरे के घर जाना है यार, फिर हमारा राज होगा, हमारी गिद्दा गिरती चली जाएगी। अरे तू चली जाएगी, हमारा राज होगा। हमारे कौन से बाप दादा के वो है हाथी घोड़े, जो हमारी विरासतें चल रही हो कि तुम दोनों का राज होगा। हम आज भी गरीब है, मेरे जाने के बाद तो तुम दोनों और हो जाओगे। यार साना आंखों में आंसू आ गए, तेल कच्चा है ना इसलिए। सही में तेल कच्चे में। घोड़े की शक्ल देख ले क्या चमक रहा है, गोल्डन गोल्डन। खांसी आ गई इसी बार, खाके देख लो मुंह जल जाएगा। ये नहीं खा सकते आलू का, एक कितने बात यार, ये मुझे दे दे भाई। नमक ये काट देना। हां काटूंगी। अरे अरे में पकोड़ा ठंडा करने रख दिया। अब बहुत गर्म है। पकोड़े बन के रेडी हैं। ये हैं बहुत सारे आलू के, क्योंकि ज्यादा कर लोगों को आलू के पसंद है। और ये मैंने मम्मी के लिए मस्त प्याज के बनाए हैं पकोड़े, ये ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं आज फिलहाल मेरे को। और आज तो देखिए भैया, सिमोन दीदी पढ़ाई कर रही है, ये देख के हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ। अभी कितने बज गए? अभी मस्त मेरे जिम जाने का टाइम भी होने वाला है दोस्तों। पहले मस्त पकोड़े खाएंगे, उसके बाद जिम जाएंगे। किससे पूछ के तुमने पकोड़े को हाथ लगाया? पहले पकोड़ा मम्मी को चखाना चाहते थे। अच्छा हो रहा है। हाँ वो तो मुझे पता ही है, ले मेरे हाथ चूम ले। उनके नहीं आप मुझे जिम के लिए ले को जाएगा, वो अपना लहंगा छुपा रही है। मैं दिखाऊंगी शादी वाले दिन दिखाऊंगी। और चिल्ला मत, नीचे वाले लोग ऊपर आ जाएंगे, ये सोच के लड़ाई हो रही है। मैं काट दूंगी। दिखा रही हूँ। दिखाना है तो दुनिया को दिखाओ। दिखा रही। मेरा जोड़ा खराब कर देगी। दिखा रही हूँ, सारी बढ़ जाएगा, ड्राई क्लीन खराब हो जाएगी। जान से मार दूंगी पर वो जोड़ा नहीं देखने दूंगी। शादी का जोड़ा वही वाला है। ची ची कैसे लड़ रही है दोनों? अरे भाई इस बदतमीज ने फाइनली देख ही लिया शादी का जोड़ा। कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। चलो अभी से रखूंगा वापस। चल भाग से, अब भाग से। मेरे को ये ब्लाउज फिट करवाने हैं। तू कब करवाने जाएगी? मेरा कौन सा ब्लाउज फिट है? ये वाला जरूरत है। जरूरत है। चलो यार, बहुत लेट हो। मार्केट से घर तक तो लेकर आ गई, अब समझ नहीं आ रहा कि इसको कहाँ ठिकाने लगाऊं। फिलहाल जिम जाने के लिए रेडी हो। तुम दोनों को ना नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ेगा। दोनों की दोनों नशे में रहती हूँ। ये चाची की चाय। उई उई उई। तो गरम हो रही है भाई। चाची के लिए पकौड़ा पैक किया है। ये मैं जिम पहन के जाऊंगी ना, 6 बजे जाना है मुझे। तेरे घर से पहन के चले जाऊंगी। ये क्या कर रही है? स्कूल में नहीं खेलते थे हमको, बॉटलों की शादी कराते थे तब अपना रुमाल फिनाती थी मैं बॉटल को ऐसी। मैं हमेशा लड़के वाला बनती थी बच्चा। क्योंकि दहेज लड़के वालों को ही मिलता है ना। मैं क्यों पकड़ू? आज मेरे बच्ची। चल मैं चाची के घर से ही जिम निकल जाऊंगी। ला दे। चल ऐसा लग रहा है कोरिया जा रहे हैं। कोरिया वाले निकलते हैं छतरी खोल के घर के बाहर। ओ गेट बंद कर ले जल्दी आ। तो जी हम जा रहे हैं चाची के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़ा लेकर उनके घर। चलो चल चल। शर्म नहीं आई तेरे को? अकेले ब्लाउज सिलवाने दे आई? नहीं दिया। क्यों? 800
नॉर्मल ब्लाउज 800 रुपए का भाई साहब। अब तूने सोचा भाड़ में गया ब्लाउज, ऐसे ही चले जाऊंगी तो तेरे को पहली आराधना आंटी याद नहीं आई थी? बाद में ऑप्शन दिया इसने। आराधना आंटी आई रही है घर में, उससे कुछ सीख ले। बड़ी बहन से कुछ नहीं सीखी, छोटी बहन से तो कुछ सीख ले। पैर धोने चल, पैर धोने चल, सामान लेके बाथरूम में आ गई। इधर दे थैला, अब तेरा साफ भी वही करेगी। अच्छी बहन है। पैर चले, क्या लेकर आये हो? हिट नया नया मटका लिया है चाची ने भाई, अलग ही शाइन मार रहा है, बहुत ही बढ़िया। मटके का पानी पी लूं मन कर रहा है, प्यास नहीं लगी, फिर भी मटके की शाइन देख के मेरा दिल पिघल गया। अभी बरसात शुरू हुई है और चाची के घर में चूहे और कॉकरोचों ने हमला करना शुरू कर दिया, तो ये बच्चे लेकर आए मार्केट से कोई नए औजार, ये इंजेक्शन कॉकरोच के लिए और ये चूहे के लिए। इधर आ जा जल्दी, इधर आ जा भाई साहब। इसने चौथी मंजिल से नीचे रस्सी फेंकी और थैला नीचे ही छोड़ दिया, और बेचारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। वो देखो बच्चा नीला वाला थैला लेके भाग गया। बेटा फिल्म बन रही है, थैला लेके गायब मत होइयो, और जल्दी नीचे जाना। गुंडों की तरह मत बोल, मदद मांग रही है तू। मदद और भीख एक जैसी होती है, आराम से मांगनी चाहिए। चल धीरे से मांग, बोल भाई प्लीज मेरा थैला ऊपर दे जाओ। कोई नहीं देगा, क्यों देगा कोई? ऐसे गुंडी आवाज में बोलेगी तो कोई लपड़ी देने आएगा चौथी मंजिल में, या नीचे से बिना आए गाली बकेगा। प्यार से बोल, नम्रता के साथ बोल। अभी कोई तो जान पहचान का आएगा उससे मंगा। बताओ ये तीन बच्चे खड़े हैं पर इसकी मदद कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सही में गुंडी है। ये बेचारी रस्सी रस्सी रह गई, थैला तो नीचे चला गया, क्या ही बोलूं। तो जी मैं तो जा रही हूँ अभी बर्तन धोने, उसके बाद सीधा सो जाऊंगी। वो सुबह जो पकौड़े खाए थे ना, वो खा के पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो ये गुड़गुड़ मड़ोड़ में बदले और पेट दर्द हो, इससे अच्छा है मैं सो जाती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मेरे डैडी की तरह हंसो खुल के।